दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने के फैसले पर रोक लगाए जाने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता जश्न मनाने में जुट गए, लेकिन उनकी सदस्यता पर अभी भी तलवार लटकी हुई है। आम आदमी पार्टी कोर्ट के फैसले के बाद इसे इलेक्शन कमीशन और बीजेपी की हार और सच्चाई की जीत के तौर पर प्रचारित कर रही है, लेकिन 20 विधायकों की ये खुशी 4 दिन की चांदनी कही जा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग 20 आप विधायकों की अर्जी पर दोबारा सुनवाई करे, साथ ही कहा कि चुनाव आयोग ने प्रक्रिया का पालन नहीं किया। इसके साथ ही विधायकों को दोबारा सुनवाई का मौका दिए जाने की बात कही है। इस पर याचिकाकर्ता प्रशांत पटेल ने कहा कि कोर्ट ने कहा कि यह केस दोबारा खुलेगा, मैंने केवल एक संवैधानिक मुद्दा उठाया था, मेरे लिए यह कोई झटका नहीं है। ऐसे में बताया जा रहा है कि अगर फिर से सुनवाई होती है और आम आदमी पार्टी के 20 विधायक अपना पक्ष रखते भी हैं, तो भी कानूनी आधार पर उनका पक्ष कमजोर ही दिख रहा है। संविधान का अनुच्छेद 102(1)(a) और 191(1)(a) कहता है कि संसद या फिर किसी विधानसभा का कोई भी सदस्य अगर लाभ के किसी भी पद पर होता है तो उसकी सदस्यता जा सकती है। यही नहीं, दिल्ली MLA रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1997 के अनुसार भी संसदीय सचिव को इस लिस्ट से बाहर नहीं रखा गया है। मतलब साफ है कि इस एक्ट के आधार पर संसदीय सचिव के पद पर होना लाभ का पद माना जाएगा। दिल्ली के किसी भी कानून में संसदीय सचिव का उल्लेख नहीं है, इसलिए विधानसभा के प्रावधानों में इनके वेतन, भत्ते और सुविधाओं के लिए कोई कानून नहीं है। ऐसे में भले ही आप विधायक ये दलील दे रहे हैं कि उन्होंने पद का निजी लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन इस कानून के आधार पर चुनाव आयोग द्वारा उनकी सदस्यता को रद्द किए जाने की सिफारिश किए जाने की संभावना भी बनी हुई है। फिर से होने वाली सुनवाई में अगर आम आदमी पार्टी के विधायक अपनी दलील से आरोप को गलत नहीं साबित कर पाते हैं, तो फिर से चुनाव आयोग उनकी सदस्यता रद्द किए जाने की सिफारिश कर सकता है। ऐसा हुआ तो इस बार आम आदमी पार्टी के विधायकों के पास नैसर्गिक न्याय के आधार पर पक्ष रखने का मौका नहीं दिए जाने की दलील भी नहीं रहेगी। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।